नमस्कार, मैं हूँ आरजे अंजू रेडियो हिंदुस्तान से, आपके दोस्त आपके मित्र आरजे अंजू। आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ धड़कन में। जी हाँ, मैं आज उस शायर के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि पाकिस्तान में नहीं भारत में भी बहुत ही लोकप्रिय है। मैं बात कर रही हूँ उस शायर की जो कि महफिलों की जान हुआ करते थे। मैं जिक्र कर रही हूँ अहमद फराज का, जिनका जन्म 12 जनवरी 1931 को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कोहात में हुआ था। उर्दू लिखने वाले शायरों में यानी कि कवियों में सबसे महान कवियों में से एक थे वो। उर्दू अदब की मकबूल हस्तियों में से एक थे। इनके ताल्लुकात यानी कि इनका परिवार पश्तून सैयद परिवार से था। तो आज हम उनकी एक बहुत ही खूबसूरत गजल आपके सामने पेश करने वाले हैं। गौर फरमाइएगा। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब तो उसको खराब हालों से, सुना है रब तो उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं, सुना है लोग उसको आंख भर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मौजी से अपने हुनर के देखते हैं। सो हम भी मौजी से अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामी फलक से उतर के देखते हैं, सितारे बामी फलक से उतर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। आगे सुनिएगा। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती है, वाह, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती है, सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं, सुना है हिरन उसको दश्त भर के देखते हैं, सुना है रात से बढ़कर है काकुले उसकी, सुना है रात से बढ़कर है काकुले उसकी, यानी कि उनके बालों की लट कितनी खूबसूरत होंगी। सुना है रात से बढ़कर है काकुले उसकी, सुना है शाम को साए गुजर के देखते हैं, सुना है शाम को साए गुजर के देखते हैं, सुना है लोग उसको आंख भर के देखते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं, सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं। सुना है आईना तिमसाल है जबी उसकी, सुना है आईना तिमसाल है जबी उसकी, तिमसाल यानी कि फरमान। सुना है आईना तिमसाल है जबी उसकी, जो सादा दिल है उसे बनसवर के देखते हैं, जो सादा दिल है उसे बनसवर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सुना है जब से हमाइल है उसकी गर्दन में, सुना है जब से हमाइल है उसकी गर्दन में, हमाइल यानी कि भार। सुना है जब से हमाइल है उसकी गर्दन में, मिजाज और ही लालो गुहर के देखते हैं, मिजाज और है
लालो गुहर के देखते हैं। गुहर यानी कि नस्ल। सुना है चश्मे तसव्वुर से दश्ते इमका में, सुना है चश्मे तसव्वुर से दश्ते इमका में, पलंग जावे उसकी कमर के देखते हैं। पलंग जावे उसकी कमर के देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं, कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। वो सर्व कद है मगर बेगुले मुराद नहीं, वो सर्व कद है मगर बेगुले मुराद नहीं, कि उस शजर पे शगुफे समर के देखते हैं, कि उस शजर पे शगुफे समर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का, बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का, सो रह रवानी तमन्ना भी डर के देखते हैं, सो रह रवानी तमन्ना भी डर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। आगे का शेर सुनिएगा। सुना है उसके शबिस्ता से मुत्तसिल है बहिश्त, सुना है उसके शबिस्ता से मुत्तसिल है बहिश्त, मुत्तसिल यानी कि करीब, शबिस्ता यानी कि शयन कक्ष, और बहिश्त यानी कि स्वर्ग जैसा सुखमय स्थान। तो शेर है कुछ ऐसे। सुना है उसके शबिस्ता से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। रुके तो गर्दिशे उसका तवाफ करती है, रुके तो गर्दिशे उसका तवाफ करती है, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। आखिर चंद शेर सुनिए। किसे नसीब की बेपैरहन उसे देखे, किसे नसीब की बेपैरहन उसे देखे, बेपैरहन यानी कि नंगे पैर, किसे नसीब की बेपैरहन उसे देखे, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं, कभी कभी दीवारों दर के देखते हैं। कहानियां ही सही, कहानियां ही सही सब मुबालगे ही सही, कहानियां ही सही सब मुबालगे ही सही यानी कि कहानियां ही सही और बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बातें ही सही, अगर वो ख्वाब है, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं, ख्वाबों की ताबीर यानी कि हकीकत में। अब आखिरी शेर पढ़ रही हूँ। अब उसके शहर में ठहरे की कूच कर जाए, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं, अब उसके शहर में ठहरे की कूच कर जाए, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। सुना है लोग उसको आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसको आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। ये गजल थी अहमद फराज साहब की, जो उनकी बेशुमार उम्दा गजलों में शुमार है। उनका एक शेर है, जाते जाते कहना चाहूंगी। आपके हम कभी बिछड़े तो ख्वाबों में मिले, आपके हम बिछड़े तो कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तो धड़कन में हमारे साथ अपना साथ यूं ही बनाए रखिएगा, फिर से आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी कुछ और नई गजलें और शेर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। रेडियो हिंदुस्तान।